हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता दें, जितने भी सामान्य ज्ञान के अभी तक प्रश्न पूछे जा चुके हैं, एसएससी के एग्जाम हुए हैं जितने भी, उन सभी प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं वो वन बाई वन करके, और सेट नंबर 28 और प्रत्येक सेट में हम लोग यानी 10 प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं व्याख्या के साथ में, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको सहायता मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या एक देखते हैं। दिया गया है कि प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था। ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में। वत्सराज, नागभट द्वितीय, मिहिर भोज या दंती दुर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी मिहिर भोज था। इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए, प्रतिहार वंश का महानतम राजा मिहिर भोज था, और इसने 50 वर्षों तक शासन किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये मिहिर भोज वैष्णव धर्म अनुयायी था, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। और इसे आदि वरह और प्रभास जैसी यानी उपाधि भी मिली थी। प्रश्न संख्या दो देखते हैं। दिया कि ह्यानसोंग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। ये प्रश्न 2011 में पूछा गया था। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन या रुद्र दमन। तो दो का राइट आंसर हो गया यानी ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो गया यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी ह्यानसोंग था जो चीन का प्रसिद्ध यात्री था, लगभग यहाँ पे दिया गया है यानी 630 से 643 ईस्वी के मध्य में हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था। और वह कन्नौज के जो धर्मसभा का अध्यक्ष भी था, और उसने प्रयाग के छठे महामोक्ष परिषद में भी भाग लिया था, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और उसकी यानी भारत यात्रा वृत्तांत, उसकी यानी रचना यहाँ पे देख सकते हैं, सी यू की यानी उसके मित्र वहली द्वारा रचित है, उसी में इस यह प्राप्त होती है जितने भी उसने यात्राएं किए हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या तीन देखते हैं। दिया कि उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है। फयान, इतिसंग, युली या हेनसंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या चार देखते हैं। दिया कि किसके शासनकाल में ह्यानसोंग भारत आया था। ये प्रश्न 2017 में पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में। जलालुद्दीन, हर्षवर्धन, जहांगीर या पांडे। तो चार का राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। प्रश्न संख्या पाँच देखते हैं। दिया कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया। ये प्रश्न 2011 में पूछा गया है। फहयान, इतिसंग, ह्यानसोंग या मेगास्थनीज। तो पांच का राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। छह नंबर प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन को किसने प्रायोजित किया था। ये प्रश्न 2010 में पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में। प्रभाकर वर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, नरसी वर्मन पल्लव, शशांक। तो छह का राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं यानी हर्षवर्धन को दक्षिणी भारत के शासक यानी पुलकेशिन द्वितीय यानी चालुक्य वंश का जो राजा था, नर्मदी यानी नर्मदा नदी के किनारे हराया था। तो ये भी याद रखेंगे, आपसे आने वाले एग्जाम में प्रश्न इससे पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या सात देखते हैं। दिया कि हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिणी भारतीय शासक कौन था। ये प्रश्न 2014 में पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जाम में। कृष्णदेव राय, पुलकेशिन द्वितीय, मयूर वर्मा या चिक्का देवराज वोडेयार। तो सात का राइट आंसर हो गया यानी ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय था। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिणी भारतीय शासक चालुक्य वंश का पुलकेशिन द्वितीय था, जिसने हर्षवर्धन को पराजित भी किया था। प्रश्न संख्या आठ देखते हैं। दिया कि हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी। ये प्रश्न 2012 में पूछा गया एसएससी के एग्जाम में। प्रयाग, कन्नौज, थानेश्वर या मथुरा। तो आठ का राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो यानी थानेश्वर। यहाँ पर देख सकते हैं हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर थी। और 605 ईस्वी में हर्षवर्धन के पिता यानी प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। हर्षवर्धन शासक बना और 606 ईस्वी में अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी, यानी दूसरी राजधानी यानी कन्नौज बनाई थी, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और इस उपलक्ष्य में हर्ष संवत प्रारंभ किया गया। प्रश्न संख्या नौ देखते हैं। दिया गया कि संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी। ये प्रश्न
2017 में पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय या बिंदु सार। तो 9 का राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन के द्वारा रचना किया गया है। और हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। और जिसका नाम था प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये तीनों यानी नाटक हैं, याद रखिएगा। नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित है और या इसमें 5 अंक है, और प्रियदर्शिका यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 4 अंक है और रत्नावली में भी 4 अंक हैं। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, दिया कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। ये प्रश्न 2009 में पूछा गया एसएससी के एग्जाम में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में ये शिक्षा का केंद्र था, नालंदा वर्तमान में बिहार में स्थित है। तो ये थे 10 प्रश्न जो एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।